गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स में टोटल 6 ब्रांच पढ़ना है। 6 ब्रांच में सबसे लास्ट ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स और 5th नंबर ब्रांच है ऑप्टिक्स, जो आप लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं। हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। 5 चैप्टर में से सबसे फर्स्ट चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। सेकेंड चैप्टर जो पढ़ना है उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो तरंग के भी गुण को प्रदर्शित करते हैं और कण के भी गुण को प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, इसमें हम लोग एटम से रिलेटेड जो भी बात है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है हम लोग के लिए सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट। सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट के बारे में डिटेल में हम लोग इसमें जानेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट 5th नंबर चैप्टर पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटल हम लोग के पास में इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। इन 5 चैप्टर का सिलेबस आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा है। फर्स्ट चैप्टर हो गया रेडियो एक्टिविटी, सेकेंड चैप्टर हो गया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, थर्ड चैप्टर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फोर्थ चैप्टर हो गया सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट, और 5th नंबर चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये 5 चैप्टर किसके अंतर्गत आता है? मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। याद रहे मॉडर्न फिजिक्स एक ब्रांच है, जिस तरह ऑप्टिक्स ब्रांच है उसमें कई चैप्टर हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिस तरह से हम लोग का करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो कई ब्रांच फिजिक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें से एक ब्रांच हम लोग का है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें कि हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग आज जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो लिख लिया आप लोग, आज से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि हिंदी नाम है रेडियो सक्रियता। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कहानी को समझना जरूरी है। ये कहानी इस चैप्टर को काफ़ी आसान बना देगा। 1896 में हेनरी बेकरवेल प्रयोगवश यूरेनियम तत्व को एक काले कागज में लपेट कर रख देते हैं। दूसरे दिन जब वह प्रयोग के लिए वो यूरेनियम तत्व को निकालते हैं तो वो देखते हैं कि उस काले कागज में छोटा छोटा छेद हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि इस यूरेनियम तत्व में ऐसा क्या खास बात है जो यह काले कागज को छोटा छोटा छेद कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि फोटोग्राफिक प्लेट के निकट यूरेनियम तत्व को ले गए। यूरेनियम जिसका कि परमाणु संख्या 92 है ना, और जिसका कि द्रव्यमान संख्या 238 है। तो उन्होंने क्या किया कि इस यूरेनियम तत्व को फोटोग्राफिक प्लेट के नज़दीक ले गए। फोटोग्राफिक प्लेट के जब नज़दीक ले गए तो वो देखते हैं कि उस फोटोग्राफिक प्लेट में धब्बा धब्बा निशान पड़ गया, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट काला पड़ने लगा। तो जब वो काला पड़ने लगा तो हेनरी बेकरवेल ये निष्कर्ष देते हैं कि कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनसे अदृश्य किरणें निकलती है, जो कागज में भेदने की क्षमता रखती है, कागज में छेद करने की क्षमता रखती है और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकती है। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। और उन्होंने इस अदृश्य किरण का नाम बेकरवेल रे रखा, क्योंकि उनका नाम क्या था? उनका नाम था हेनरी बेकरवेल। तो उन्हीं के नाम पर उस अदृश्य किरण का नाम रख दिया गया, क्या चीज? बेकरवेल रे। फिर दो साल के बाद 1898 में मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट आई जो ये बताई कि थोरियम से भी वैसे ही अदृश्य किरणें निकल रही है जैसा कि अदृश्य किरणें यूरेनियम से निकलती है। तो ये जो मैरी क्यूरी है ये आती है कब? 2 साल के बाद 1898 में। और वो क्या बोलती है कि थोरियम से भी वैसा ही अदृश्य किरणें निकल रही है जैसा कि अदृश्य किरण किससे निकलती है? यूरेनियम से निकलती है। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो अदृश्य किरणें निकलती है, इस अदृश्य किरण का नाम है रेडियो एक्टिव रे। तो याद रखना है कि जिसका नाम हेनरी बेकरवेल ने रखा था उसी का नाम इन्होंने रखा रेडियो एक्टिव रे। और इन्होंने बताया कि इस घटना को नाम दिया जाए रेडियो एक्टिविटी। तो याद रखना है कि ये जो चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर नाम किसका दिया हुआ है? ये नाम दिया हुआ है मैरी क्यूरी का।
मेरी क्यूरी का कहना था कि थोरियम या यूरेनियम से जो अदृश्य किरणें निकलती है ये एक घटना है, और इस घटना का ही नाम क्या है, रेडियो एक्टिविटी। और जिन तत्वों से ये अदृश्य किरणें निकलती है उन तत्वों का नाम रखा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो याद रखना है कि यूरेनियम और थोरियम जो है, या इनके जैसे और भी जो तत्व बाद में खोज हुए उनका नाम रखा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नाम रखा गया। फिर 1902 ईस्वी में मैरी क्यूरी ने पिच ब्लेंड से दो नए तत्व का खोज की, जिसका नाम है रेडियम और पोलोनियम। रेडियम और क्या, पोलोनियम। तो याद रखना है कि मैरी क्यूरी ने दो नए तत्व का आविष्कार की, जो आविष्कार हुआ किससे, पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक मुख्य अयस्क है जिसका फॉर्मूला है U3O8। तो U3O8 जिसको कि हम लोग इस तरीका से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके विखंडन से उन्होंने दो नए तत्वों का आविष्कार की, एक का नाम रेडियम और दूसरा का नाम पोलोनियम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि रेडियम और पोलोनियम का खोज किसने किया। तो याद रखना है कि रेडियम और पोलोनियम का खोज हुआ है किसके द्वारा, मैरी क्यूरी के द्वारा। तो मैरी क्यूरी ने जब 1902 ईस्वी में रेडियम और पोलोनियम का खोज की तो उनको 1903 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। जो उन्होंने रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार की, खोज की। फिर 1930 ईस्वी में रदरफोर्ड आते हैं जो इस रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिखते हैं जिससे कि अदृश्य किरणें निकल रही है। तो वो क्या देखते हैं कि कुछ किरणें पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले गई और कुछ किरणें निगेटिव चार्ज की तरफ चले गई। तो जो किरणें पॉजिटिव की तरफ जा रही है इसका मतलब है कि उस पर निगेटिव चार्ज है, और जो किरणें निगेटिव की तरफ जा रही है इसका मतलब है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और कुछ किरणें थी जो ना पॉजिटिव की तरफ जा रही थी और जो ना निगेटिव की तरफ जा रही थी, वो सीधे निकल जा रही थी। तो याद रखना है कि जो निगेटिव चार्ज की तरफ किरणें गई उनका नाम उन्होंने अल्फा रे रखा, जो पॉजिटिव की तरफ किरणें गई उसका नाम उन्होंने बीटा रे रखा, और जो दोनों तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए सीधे निकल गई उसका नाम उन्होंने गामा रे रखा। तो याद रखना है कि ये अल्फा बीटा गामा नाम किसका दिया हुआ है, रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने 1930 ईस्वी में इस अदृश्य किरण का नाम रख दिया गया अल्फा बीटा गामा। मतलब उन्होंने ये बताया कि इस रेडियो सक्रिय तत्व से तीन किरणें निकल रही है, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। तो अल्फा रे है वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव के तरफ। क्यों, क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। याद रखना है कि अल्फा रे पर दो पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रे पर एक निगेटिव चार्ज होता है, और गामा रे पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये अल्फा बीटा गामा नाम किसका दिया हुआ है, रदरफोर्ड का। तो याद रखना है कि हेनरी बेकरवेल ने इसका नाम रखा था बेकरवेल रे, मैरी क्यूरी ने इसका नाम रखी रेडियो एक्टिव रे, और रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या रखा, अल्फा बीटा और गामा रे। तो आप लोग इस चैप्टर को समझने के लिए ये छोटा सा कहानी को समझना जरूरी था, पर अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का दूसरा जो नाम है वो नाम रखा गया है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि इस चैप्टर का नाम रेडियो एक्टिविटी क्यों पड़ा, पर हम लोग को अब ये जानना है कि इसी चैप्टर को न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को कि ये जो अदृश्य किरणें यूरेनियम, थोरियम या पोलोनियम से निकल रही थी, ये अदृश्य किरणें आ रही थी नाभिक से, नाभिक जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो हम लोग को ये जानना होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक क्या होता है। आप लोगों को याद होगा कि ये बीच परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में रहता क्या क्या है, तो इस नाभिक में रहता है प्रोटॉन, तो इस नाभिक में रहता है प्रोटॉन्स प्लस
न्यूट्रॉन्स। तो याद रखना है कि ये बीच वाला पार्ट हो गया नाभिक और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हो गया कक्षा सेल। तो ये पहला सेल का नाम के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसा ऐसा अनंत सेल है। और इस इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट। और इसमें रहता क्या है, इसमें रहता है इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि नाभिक पर प्लस क्यों होता है, धन आवेश, नाभिक धनावेशित होते हैं क्यों, तो हम लोग को पता है कि नाभिक में दो कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन पर प्लस है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। तो चूंकि नाभिक पर प्लस इसलिए है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन रहता है और प्रोटॉन पे प्लस है, इसलिए नाभिक क्या है, धनावेशित है। तो क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि नाभिक धनावेशित होते हैं क्यों, तो लिखेंगे हम लोग क्या कि चूंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं इसलिए नाभिक भी धनावेशित होते हैं। तो याद रखना है कि इसी नाभिक, इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विखंडन से अल्फा बीटा गामा रे बाहर निकल आता है। इसलिए सारा खेल जो था वो न्यूक्लियस का था, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, इस चैप्टर का नाम रखा गया न्यूक्लियर फिजिक्स। तो याद रखना है कि पुराना नाम जो था वो नाम था रेडियो एक्टिविटी और बाद में इसी चैप्टर का नाम क्या रखा गया, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो हम लोग को समझना होगा कि न्यूक्लियस के बारे में। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि नाभिक क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियस, आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि नाभिक क्या है और उसके आंसर में लिखिए कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित वैसा भाग, परमाणु के केंद्र में उपस्थित वैसा भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में उपस्थित वैसा भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसे नाभिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नाभिक। तो ये फिगर जो है, ये फिगर हम लोग का किसका है, ये फिगर हो गया एटम का, परमाणु का। तो याद रखना है कि परमाणु के केंद्र वाले पार्ट को हम लोग नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में ही रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको कि सामूहिक रूप में न्यूक्लियॉन कहते हैं। याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आया कि न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं, तो याद रखना है कि न्यूक्लियॉन हम लोग बोलते हैं किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो इसी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसका नाम है न्यूक्लियॉन। तो याद रखना है कि इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप में मास नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, जिसको कि ए से सूचित करते हैं। तो याद रहे कि न्यूक्लियॉन और द्रव्यमान संख्या एक ही है, न्यूक्लियॉन और द्रव्यमान संख्या एक है। तो आप लोग पॉइंट बना के लिख लीजिए न्यूक्लियॉन के बारे में, न्यूक्लियॉन के बारे में लिखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप में न्यूक्लियॉन कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप में न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये बीच वाला पार्ट हो गया नाभिक और इसके चारों तरफ जो गोल गोल है जिसको कि हम लोग कक्षा कहते हैं, इस कक्षा में घूमता क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है। आप लोग इसको उतार लीजिए। तो लिख लिए आप लोग, तो हम लोग ये देख लिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में जिस जगह पर रहते हैं उसको हम लोग नाभिक कहते हैं, है ना, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप में हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। याद रहे कि न्यूक्लियॉन और मास नंबर दोनों सेम है, मास नंबर को हम लोग ए से दिखाएं। याद रखना है कि अगर कोई पूछेगा कि मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जिसको कि हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बराबर हो गया पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हम लोग को मास नंबर का पता चलेगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो हम लोग को ये पता चल गया कि परमाणु में तीन कण हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित है। पर ऐसा नहीं है कि परमाणु में केवल यही तीन कण उपस्थित हैं, अभी तक परमाणु में टोटल 37 पार्टिकल का खोज हो चुका है। तो याद रखना है कि परमाणु में कुल 37 कण है,
इन 37 कण में मुख्य कण 3 गो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं 3 मुख्य कण को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, मौलिक कण। तो याद रखना है कि परमाणु में 2 तरह के कण उपस्थित होते हैं, एक को बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल और दूसरे को बोलते हैं सब्सिडरी पार्टिकल। तो याद रखना है कि फंडामेंटल पार्टिकल और सब्सिडरी पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल का संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाकी जो पार्टिकल बच गए उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी पार्टिकल, जिसमें आते हैं मेसोन, पायोन, एंटी मेसोन, पॉजिट्रॉन। तो ये सब पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी पार्टिकल। तो याद रखना है कि ये जो परमाणु है जिसके कि बीच में नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ जो घूम रहा है गोल गोल, वो हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है कि परमाणु में ऐसा नहीं है कि केवल यही 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों कण को तो नाम क्या दिया गया है, फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण। लेकिन इसके बाद जो कण बच जाते हैं, जिसमें मेसोन आते हैं, एंटी मेसोन आते हैं, पायोन आते हैं, उस सब को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी पार्टिकल। तो अगर कोई पूछेगा कि फंडामेंटल पार्टिकल और सब्सिडरी पार्टिकल में क्या अंतर है, तो याद रखना है कि फंडामेंटल पार्टिकल उसको कहते हैं जिस पर परमाणु का गुण निर्भर करता है, और जिस पर परमाणु का गुण निर्भर नहीं करेगा उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी पार्टिकल। तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन कि फंडामेंटल पार्टिकल और सब्सिडरी पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल और सब्सिडरी पार्टिकल क्या है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फंडामेंटल पार्टिकल और सब्सिडरी पार्टिकल। हिंदी लिख लीजिए मौलिक कण और सहायक कण, मौलिक कण और सहायक कण क्या है, मौलिक कण और सहायक कण क्या है। पहला नंबर में लिखिए मौलिक कण, पहला नंबर में लिखिए फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण। तो मौलिक कण के, मौलिक कण में आंसर में लिखिए कि परमाणु में उपस्थित वैसा कण जिस पर उस परमाणु का गुण निर्भर करता है, जिस पर उस परमाणु का गुण निर्भर करता है, उसे 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 फंडामेंटल पार्टिकल, उसे फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, उस पर फंडा उसे फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। और ये सभी परमाणु में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं, और ये सभी परमाणु में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। लिख लिया आप लोग, तो फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण की संख्या कितनी है, 3 है। तो फर्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग सिंबल के रूप में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ई से दिखाएंगे, या ई पर माइनस से दिखाएंगे, या फिर ई पर माइनस वन इसका चार्ज है और इसका द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को 3 तरीका से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे.जे. थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया है, जे.जे. थॉमसन ने, फुल फॉर्म में जोसेफ जॉन थॉमसन। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, कूलम मात्रक है किसका, आवेश का, चार्ज का। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है, केवल अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस है और प्रोटॉन में प्लस है। तो याद रखना है कि प्रोटॉन धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण है। उसी तरह से द्रव्यमान याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻³¹ किलोग्राम, 9.11 × 10⁻³¹ किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम। तो अगर हम लोग से पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भारी कौन है, तो याद रखना है कि प्रोटॉन भारी है और इलेक्ट्रॉन हल्का है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन -31 है और ये जो प्रोटॉन है वो -27 है। तो याद रखना है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो ज्यादा होता है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये दोनों का द्रव्यमान लगभग सेम है। देखिए यहाँ पर भी 1.67 है, यहाँ पर भी 1.67 है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ये थोड़ा सा भारी होता है न्यूट्रॉन और ये थोड़ा सा हल्का होता है। तो याद रखना है कि दोनों लगभग द्रव्यमान में बराबर होता है, हम लोग को केवल इतना ही वैल्यू यूज किया जाता है। पर अगर कोई पूछ ले कि इन तीनों में से सबसे हल्का कौन है, तो इन तीनों में सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी कौन है, सबसे भारी है न्यूट्रॉन। याद रहे कि प्रोटॉन को सूचित करते हैं पी से या फिर पी प्लस से, और प्रोटॉन का द्रव्यमान +1 और इसका जो आवेश हो गया +1, इसका द्रव्यमान हो गया 1। और यहाँ पर इसका खोज किसने किया है, गोल्डस्टीन ने। इसका खोज किसने किया है, गोल्डस्टीन ने। उसी तरह न्यूट्रॉन का खोज किया किसने, जेम्स चैडविक ने। इसको याद रखने का तरीका है द गोपचंद, द से थॉमसन, गोप से गोल्डस्टीन और चंद से चैडविक। तो द गोपचंद से आपको तीनों याद रखता है, द से थॉमसन, गोप से गोल्डस्टीन, चंद से क्या,
चैडविक, याद रहे कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। तो याद रहे कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तीन गो है। तो फंडामेंटल पार्टिकल किसको बोलते हैं, जिस पर परमाणु का गुण क्या करता हो, निर्भर करता हो। लेकिन सहायक कण किसको बोलेंगे, सहायक कण उसको बोलेंगे जिस पर परमाणु का गुण निर्भर नहीं करता हो। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। तो लिख लिया आप लोग, तो सेकंड नंबर आप लोग हेडिंग दीजिए सब्सिडरी पार्टिकल, सेकंड नंबर आप लोग हेडिंग दीजिए सब्सिडरी पार्टिकल। पहला नंबर में हम लोग पढ़ लिए फंडामेंटल पार्टिकल मौलिक कण, दूसरा नंबर में आप लोग हेडिंग दीजिए सब्सिडरी पार्टिकल जिसका कि हिंदी है सहायक कण, जिसका हिंदी क्या है सहायक कण, आंसर में लिखिए। वैसा कण जिस पर परमाणु का गुण निर्भर नहीं करता है, वैसा कण जिस पर परमाणु का गुण निर्भर नहीं करता है उसे सब्सिडरी पार्टिकल कहते हैं, सहायक कण कहते हैं। वैसा कण जिस पर परमाणु का गुण निर्भर नहीं करता है उसे सहायक कण कहते हैं। पॉइंट बना के लिखिए, ये कण अस्थायी एवं क्षणिक होते हैं, ये कण अस्थायी एवं क्षणिक होते हैं, ये कण अस्थायी एवं क्षणिक होते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए पॉजिट्रॉन, मेसोन, फोटोन, पायोन, के कैप्चर, न्यूट्रोनो, मियोन, इटीसी। ये सब पार्टिकल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी पार्टिकल। याद रहे ये जितना भी कण है ये सब क्षणिक है, अस्थाई है, ये परमाणु में हो भी सकता है और परमाणु में नहीं भी हो सकता है। तो याद रखना है कि इन सब के बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि के कैप्चर क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, मेसोन क्या होता है, फोटोन क्या होता है, इन सब पर भी इसी चैप्टर में धीरे धीरे आगे बात बढ़ेगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को स्टार्ट किया, ये बात कहानी शुरू हुआ किससे, हेनरी बेकरवेल से, और इसको आगे किसने पढ़ाया, रदरफोर्ड ने, और बीच में आई मैरी क्यूरी। एक बात आप लोग और याद रखिएगा कि यूरेनियम का जो रेडियो सक्रियता होता है उससे कई गुना ज़्यादा रेडियो सक्रियता होता है पोलोनियम का और रेडियम का। याद रखना है कि रेडियम का जो रेडियो सक्रियता है वो यूरेनियम से 30 से 40 लाख गुना ज़्यादा होता है। इस बात को भी पॉइंट बना करके लिख लीजिए आप लोग कि रेडियम की रेडियो सक्रियता यूरेनियम से 30 से 40 लाख गुनी अधिक होती है। रेडियम की रेडियो सक्रियता यूरेनियम से 30 से 40 लाख गुनी अधिक होती है। तो ये चैप्टर आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, कल हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।